एवरीवन, मैं आप सभी के साथ फिर से हूँ एक नया और अच्छा सा व्लॉग लेके। तो आज हम लोग जा रहे हैं मुंडेश्वरी मंदिर और आज मैं आपको घुमाने वाली हूँ पूरा मुंडेश्वरी मंदिर, क्योंकि मम्मी माता रानी की भक्त है इसलिए वो दर्शन करना चाह रही थी बहुत दिन से, इसलिए आज हम जा रहे हैं मुंडेश्वरी मंदिर। चलिए आपको भी लेके चलती हूँ। तो मम्मा ताला बंद करिए और तब तक मैं चलती हूँ नीचे, और पापा भाई सब नीचे ही हैं, वो सब वेट कर रहे हैं और ये हम लोग पहुँच गए। चलिए आपको सारा पूरा नज़ारा आज मैं दिखाऊँ कि गाड़ी हो गई है स्टार्ट और अब मैं गाड़ी में बैठने जा रही हूँ। तो यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है और सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग हम निकले घर से क्योंकि मौसम आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और मॉर्निंग थी इसलिए ट्रैफिक भी बिल्कुल नहीं है। तो सभी फैमिली हम लोग सोचे कि बहुत दिन से सोच भी रहे थे कि हम कब दर्शन करेंगे और मेरा बहुत दिन हो गया था, तो लगा कि आज मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हमें क्या है कि गाड़ी और मुझे और को दोनों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गाड़ी में, तो इसलिए हम जो विंडोज़ है उसको ओपन करके जाते हैं। तो इस वजह से सुबह का मौसम था, हवाएं चल रही थी, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि जैसे हम शिमला ही आ गए, लग ही नहीं रहा था कि ये गर्मी का मौसम है, बहुत अच्छा लग रहा था। रास्ते में गुजरते हुए जो ये हरे हरे खेत दिख रहे थे और जो पेड़ पौधे दिख रहे थे, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था और बिल्कुल हरे हरे आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अगर ऐसे जगहों पर रहो, शहर से दूर, भीड़ भाड़ से दूर, तब मुझे समझ में आता। यहाँ पहुँचने में हम लोग को 2 घंटे लगे थे इसलिए मेरे को नींद आ रही थी और मैं थोड़ा सा सो गई थी, लेकिन अभी मैं उठी तो मुझे माउंटेन दिख रहे हैं और मुझे माउंटेन एरिया वैसे भी बहुत पसंद है, और पहले भी धूप नहीं थी और अभी भी धूप नहीं निकली है और मौसम यहाँ बहुत अच्छा है, हर तरफ माउंटेन और हरा हरा, इतना प्यारा मौसम है। चलिए आपको मुंडेश्वरी। मम्मी कौन सा पहाड़ है? मेरे को मुंडेश्वरी पहाड़ क्यों लग रहा है? हम लोग जा रहे हैं पैदल और आपको भी मैं पूरी गाड़ी से सैर कराती हूँ। तो यहाँ से देखिए हम मंदिर की चढ़ाई शुरू कर दिए हैं, गाड़ी से हम जा रहे हैं क्योंकि यहाँ 2 जगह जाने के लिए है, एक आप सीढ़ियों से जा सकती हैं और दूसरे आप बाई रोड जा सकती हैं। तो बाई रोड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि जो पहाड़ है बिल्कुल ऊंचाइयों पे है, तो सीधे सीधे है, थोड़ा जाने में डेंजरस लगता है। लेकिन जब मैं बहुत पहले आई थी तो उस समय ये पेड़ पौधे यहाँ पे जब नहीं थे तो ये ज़्यादा डरावना लगता था, लेकिन अभी थोड़ा सा सही है क्योंकि साइड में थोड़ी सी बाउंड्री जैसी भी बन गई है, तो इसलिए हम बाइक कार ही जा रहे हैं। और अगर आप सीढ़ियों से जाएंगी तो यहाँ पे सीढ़ियाँ भी बनी हुई है, तो सीढ़ियों से नहीं जाना था हमें क्योंकि यहाँ पे 500 सीढ़ियाँ हैं जिसे चढ़ के जाना पड़ता है, और बहुत सारे लोग इस बार मैंने देखा था, पहले तो सिर्फ सीढ़ियों से ही लोग जाते थे या बाइक कार जाते थे, लेकिन इस बार मैंने ये देखा कि कुछ लोग आप देख रहे हैं रास्ते में दिख रहे हैं कि बाई रोड भी जा रहे हैं क्योंकि सीढ़ियों से बहुत लोगों को चढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। तो आप देख रही हैं यहाँ पे हम मुंडेश्वरी मंदिर के पास पहुँच चुके हैं और यहाँ पे काफ़ी भीड़, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी भीड़ थी, मुझे लगा था कि आज भीड़ नहीं होगी लेकिन जब ऊपर आया तो देखा कि भीड़ थी यहाँ पे। और यहाँ पे ऊपर आने के बाद इतना अच्छा लगता है, ऊपर से जब आप देखिएगा नीचे तो एकदम लगेगा ही नहीं कि आप बिहार में हैं, इतना खूबसूरत नज़ारा लगता है इसका। तो मैं आगे आपको दिखाऊंगी सारा कि ये कितना अच्छा है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मुंडेश्वरी मंदिर और आइए मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ। ये देखिए अभी यहाँ पे माउंटेन एरिया है, मेरी मम्मा और मेरी मैंने टीका लगवा लिया लेकिन मम्मी ने पता नहीं क्यों नहीं लगवाया। हम लोग ने अपने अपने चप्पल गाड़ी में ही खोल दिए थे, वो दोनों पापा भाई आ रहे पीछे से। पापा ये सब क्या है? ये सब पत्थर क्यों रखे हैं एक जगह पे? बच्चा लोग खेलने के लिए लगा दिए। तो गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं सीढ़ी पर। थोड़ा धीरे चलती हूँ, उनका वेट करना पड़ेगा। देखिए गाइस मम्मी 4 सीढ़ी भी नहीं चढ़ी, उनको पैर दुख रहा है।
मेरी हाथ की भी मम्मा। चलो जल्दी अभी और चढ़ना है। तो बस हम लोग फाइनली अब पहुंच गए हैं ऊपर। ये आ गए हम लोग मुंडेश्वरी के अंदर। ये देखिए मैं आपको पूरा राउंड अप दिखाती हूँ। मैं तो पहली बार आ रही हूँ मुंडेश्वरी, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। वो डैडू सबका खड़े होकर वेट कर रहे हैं। चलो चलता है। हाँ ये अरे पापा यहाँ बहुत सारे पौधे भी हैं। ये देखिए यहाँ पे कितने प्यारे से शिवलिंग रखे हुए हैं, जिनके ऊपर फूल भी चढ़ा दिया गया है। और यहाँ मतलब लगभग भीड़ हो चुकी है, ज़्यादा नहीं हुई है। ये रहे अभी हम लोग पूजा करने जा रहे हैं। तो सभी लोग कह रहे थे यहाँ पे कि पूजा करने के बाद 5 बार हम लोग को घूमना होता है मंदिर के बाहर, इसलिए अब हम लोग घूम रहे हैं। और अभी हम लोग का 1 राउंड कंप्लीट हो गया है और अभी मैं आपको पूरा 5 बार घुमा के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने दर्शन कर लिया है, अंदर से आपको मैं रिकॉर्डिंग नहीं दिखा पाई। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं मंदिर दिखाती हूँ कि यहाँ मुंडेश्वरी माता का मंदिर कैसा दिखता है। तो ये है मुंडेश्वरी माता का मंदिर, जो बहुत पुराना मंदिर है। कहा जाता है कि ये हमारे भारत का सबसे पहला मंदिर है, मुंडेश्वरी माता का मंदिर, जिसे कि मुंडेश्वरी भी कहा जाता है। यह एक हिंदू मंदिर है जो भारत के बिहार राज्य में सोन नदी के पास कैमूर पहाड़ पे स्थित है। इसकी लंबाई आपको कम से कम 608 फीट है और जिसे 185 किलोमीटर की ऊंचाई है इसकी। और इसमें जाने के 2 रास्ते हैं, एक सीढ़ियां है और एक है बाई रोड। यहाँ पे माँ मुंडेश्वरी वराही रूप में विराजमान है, जिसका वाहन महिष है। मंदिर में प्रवेश के 4 द्वार है, जिसमें से एक दरवाजा बंद रहता है। और इस मंदिर के मध्य भाग में पंचमुखी शिवलिंग भी स्थापित है, जिस पत्थर से यह पंचमुखी जो शिवलिंग निर्मित किया गया है उसमें सूर्य की स्थिति के साथ साथ पत्थर का रंग बदलते रहता है। यहाँ पे माँ की महिमा इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे बलि के लिए जो बकरा यहाँ पे चढ़ाया जाता है, जिनकी मनोकामना पूरी होती है, तो यहाँ अक्षत मात्र डालने से बकरा बेहोश हो जाता है और फिर दोबारा अक्षत मारने से बकरा पुनः जीवित हो जाता है। खत्म कर लिया हम लोग ने अपनी पूजा और अब हम लोग प्रसाद खाते हुए जा रहे हैं घर। आपको भी ले चलती हूं अपने साथ। ये देखिए अभी हम लोग कहाँ चढ़ने जा रहे हैं। हम लोग मौत के कुएं में खेल रहे हैं गाइस। मैं गिरूंगी नहीं ना, मुझे डर लग रहा है। वो देखो वो कहाँ चला गया, मैं यहीं पे हूँ अभी। माँ माँ पत्थर का बैलेंस नहीं गिरेगा ना भैया, रिकॉर्डिंग कर दें। मेरे को कोई सीढ़ी भी नहीं दिखी, पर भी आपको दिखा रही हूँ मैं। देखिए आपको दिखाने के लिए मुझको कहाँ कहाँ चढ़ना पड़ता है। मम्मा देखो, मम्मा बैठ के नारियल खा रही है। मम्मी मैं पत्थर पे चढ़ी हूँ गाइस, पता नहीं क्यों मुझको डर लग रहा है। पापा नीचे चले गए, गाड़ी निकालने का है। वो है क्या पापा? पापा वहाँ। तो अभी हम लोग वापस लौट रहे हैं। हाँ तुम्हें पकड़ी क्यों? जा रहे हैं वापस से घर, क्योंकि हम लोग घूम लिए मुंडेश्वरी मंदिर और मैं सबसे जिद कर रही हूँ कि मुझे पैदल जाना है, लेकिन कोई जाने नहीं दे रहा। चलो देखते हैं प्लान सक्सेसफुल होता है। कुछ नहीं बोलना है मेरे को, ठीक है? तो मुंडेश्वरी से लौटते समय मेरे को दिख गया एक छोटा सा मंदिर, तो मैंने कहा कि मेरे को यहाँ पे घूमना है। तो भाई ऊपर चला गए, मैं भी सीढ़ी से ऊपर जा रही हूँ, आप लोग को भी ले। यहाँ पे कीड़े भी हैं लेकिन को डर लग रहा है इससे। तो काफ़ी सुंदर जगह है, हरे हरे बहुत ज़्यादा, इतनी अच्छी जगह मुंडेश्वरी। बल्कि मैं पहली बार आ रही हूँ यहाँ पे। भैया बस हम लोग पहुँच गए, बहुत जल्दी ऊपर आ गई मैं। हाँ वाओ तो प्यारा है। तो आई थिंक ये मंदिर है। वाओ ये मेरा भाई खड़ा है, पोजेस ले रहा है।
यहाँ पे शायद कोई रहता था, मूंगफली को छिलके हैं यहाँ पे। हाँ वो देखिए मुंडेश्वरी पहाड़, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है और काफ़ी बड़ा है। ये रहा मुंडेश्वरी पहाड़, आपको दिख रहा होगा जहाँ पे अभी हम लोग घूम कर आ रहे हैं। हो चल चलो भाई वो अपन नीचे जाते हैं। हाँ हाँ आओ, कंकड़ घट रहा है मेरे पैर में। ये देखिए अभी इतना चल के जाना है हम लोग को, जो हम लोग 2 मिनट में चल देंगे। ये तो भाग रहा है, मैं गिर जाऊंगी, मैं भागूंगी तो। वो मम्मी वो पापा, मैं यहीं पे खड़ी हूँ। आराम से चलूंगी नहीं तो मैं गिर जाऊंगी। हाँ क्योंकि यहाँ की सीढ़ी थोड़ी ऊबड़ खाबड़ है ना, मतलब लाइक प्लेन नहीं है, तो चलने में भागने में गिर जाएंगे। आराम से चलो बेस्ट है। ओ मैं भी आ रही हूँ, मेरा वेट करो। चलिए अब गाड़ी पे चलते हैं, घर चलते हैं, पहले कुछ खा वाले तब घर चलेंगे। तो गाइस हम लोग को बहुत भूख लगी थी इसलिए हम लोग रेस्टोरेंट में खाने आए हैं। एक्चुअली बहुत लेट हो गया था तो हम लोग ने सोचा यहाँ से अपना खाना वाना यहीं से खा लेते हैं। और ये बहुत ही प्यारा डेकोरेटेड है, मैं यहाँ पे पहली बार आ रही हूँ, हम लोग ने नाम भी नहीं सुना। बहुत प्यारा लग रहा है रेस्टोरेंट, एक्चुअली इसकी डेकोरेशन बहुत अच्छी प्यारा लग रहा है। मामा सही में कितना प्यारा लग रहा है ना। ये देखिए गाइस मैं आपको पूरा दिखाती हूँ, ये एक्चुअली बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो गाइस अभी तो आ रहा था ऑर्डर, तो मैंने सोचा कि तब तक मैं आपको ये प्यारा सा दिखा दूँ। ये इतना प्यारा लग रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। एक्चुअली बहुत क्यूट है और इतना अच्छे से वेल डेकोरेटेड है, इतना क्लीन है ना, मैं क्या बताऊँ। एक्चुअली मैं पहली बार आ रही हूँ तो मेरे को इसका नाम नहीं पता, बट मैं आपको देख के ज़रूर बताऊँगी। बट बहुत क्यूट, इट्स वेरी क्यूट रेस्टोरेंट। और यहाँ मैं वहाँ सब खाना खा रहे हैं, आइसक्रीम्स भी हैं, मैं आइसक्रीम खाने जा रही हूँ। चलिए वाह बहुत प्यारा है गाइस ये रेस्टोरेंट। ये रिसेप्शन है एंड यहाँ से देखिए बाहर का व्यू भी दिख रहा है जहाँ से हम लोग बैठे हैं। एंड यहाँ ऊपर भी बहुत ब्यूटी डेकोरेटेड है गाइस, इतना प्यारा, इतना प्यारा मैंने आज तक नहीं देखा, बहुत क्यूट है ये एक्चुअली, बहुत प्यारा। आई होप आज की वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और मुंडेश्वरी मंदिर आपको कैसा लगा, क्या आप इसके बारे में जानते थे, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इसी तरह और भी अच्छे और भी यूनिक रेसिपी या वीडियो लेकर आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।